हे गाइस, आज के इस वीडियो में आप हम लोग बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट VPN जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं iOS में पबजी खेलने के लिए या फिर जो कुछ भी है आप जिसमें भी यूज़ करना चाहो बेस्ट, जिसमें कि आपकी पिंग सबसे कम आए। तो मैं यहाँ पर सारे जो बेस्ट VPN से वो मैंने कुछ ढूंढे हैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद और सबको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा भी सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ, तो आप उससे अच्छे तरह से समझ जाएंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है अमन सचान, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले VPN के जिसका नाम है 1.1.1.1, मतलब चार बार आप डायरेक्ट 111 डाल देंगे अपने ऐप स्टोर पे तो वहाँ पर आपको आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 1.1.1.1 फास्टर इंटरनेट लिखा हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। सबसे सिंपल है, सबसे ईजी है, तो यहाँ पर आपको बस ऑन करना है इसको। वॉप चार्ज को आप चेंज भी कर सकते हो अपनी लोकेशन, फिलहाल मेरी अभी US लगी हुई है, तो आप यहाँ पर इसको बस आपको ऑन करना है। आप देख सकते हो नीचे लिख के आ रहा है योर इंटरनेट इज़ प्राइवेट, और अगर आप वॉप प्लस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। खैर उसकी हम लोग यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग फ्री बात करने वाले हैं। तो अभी आप देखते हो मेरा नेट जो है वो एयरटेल का है, एयरटेल का मैंने मतलब सेलुलर डेटा यूज़ कर रहा हूँ। और इवन अगर आप रिसोर्स पैक डाउनलोड करना चाहते हो इस VPN से तो वो भी आप कर सकते हो एकदम आराम से। आप देख सकते हो जो स्पीड भी आ रही है वो भी आपकी बहुत सही आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए आप 4 Mbps 3 Mbps ऐसे आराम से स्पीड आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपका कोई भी डेटा हो, मतलब जियो हो या फिर डेटा नेटवर्क हो या जियो या एयरटेल, सब पे काम करेगा, सभी पे आराम से, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्सट्रीम पे सेट कर दिया, और अभी आप पिंग देख सकते हो मेरी 100 के ऊपर ही है, और मतलब सॉरी 100 के नीचे या फिर 100-110 के बीच में आ रही है पिंग। मैक्सिमम जो पिंग मैंने पूरा गेम खेला तो गई मेरी मैक्सिमम एक जगह गई थी 120, इसके अलावा और कहीं नहीं गई। यहाँ पर आप देख सकते हो पिंग 106, 107, 108 इसी के आसपास आ रही है, तो इतनी पिंग अब बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल खेल रहे हैं VPN लगाकर तो VPN के हिसाब से मेरे हिसाब से ये पिंग काफ़ी सही है। इवन पूरा गेम का मैं यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिखाता हूँ, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके, आप देखते हो जो पिंग है वो मैक्सिमम 100 से 110 के बीच में ही रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ओवरऑल मुझे VPN काफ़ी सही लगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं लगी मुझे कहीं से भी। तो ये सारी चीज़, नेक्स्ट VPN की बात करें तो उसका नाम है VPN प्रॉक्सी। आप देखते हो यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा VPN प्रॉक्सी अनलिमिटेड। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाता है VPN प्रॉक्सी अनलिमिटेड शील्ड का, आपको उसमें क्लिक करना है, ब्लू कलर का की बनी हुई है आपको, और यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल है ये भी एकदम, आपको इसको जस्ट ओपन करना है, और इसमें थोड़े एड्स ज़्यादा आते हैं मुझे ऐसा लगता है, हर बार ओपन करो हर बार ऐड आ जाता है। और आपको फास्टेस्ट लोकेशन नहीं करनी है, हो सकता है कभी वो इंडिया लगा दे तो इंडिया में आपका नहीं चलेगा, तो आपको इसको कोई भी लोकेशन सेट कर देनी है, US या सिंगापुर या जो भी आपको फास्टेस्ट दिख रहा हो आपको वो सेट कर देनी है, और बस आपको कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद आपको अपना जो पबजी आपने डाउनलोड कर रखा है अपने iOS में उसको ओपन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल लोडिंग है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत धीमे धीमे लोडिंग हो रही हो, आराम से एकदम जैसे नॉर्मल उनको चलता है वैसे ही एकदम लोड होता है। और सिमिलरली इसमें भी अगर आप चाहते हैं अपने रिसोर्स पैक या फिर मैप्स या जो कुछ भी डाउनलोड करना तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें, तो ये चीज़ अच्छी बात है। लिमिट पहले वाले में भी नहीं थी, लेकिन आगे कुछ VPN जो मैं बताऊँगा उसमें लिमिट भी है। तो यहाँ पर आप देखते हो मैं अभी गेम के अंदर आ गया हूँ, और आप देखते हो जो स्पीड हम लोग जो हम लोगों का पिंग आ रही है वो भी 100 के नीचे ही है अभी, और 88, 100, 100, 120, मतलब इसमें तो 120 भी इवन पिंग नहीं गई, एक पॉइंट पे बस 120 गई थी, बाकी 100 के नीचे ही रही, वो 100-110 के नीचे ही रही, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और गाइस एक चीज़ और, अगर आपके iOS में ऑलरेडी PUBG पड़ा हुआ है और आप अपडेट करने के लिए उसको अनइंस्टॉल करके लोकेशन चेंज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो अगर आपको इस पूरे स्टेप से बचना है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो है जिसमें आपको लोकेशन नहीं चेंज करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका अपडेट हो जाएगा PUBG, तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर VPN की बात करें तो उसका नाम है VPN 360। आपको यहाँ पर जाना है और डायरेक्टली क्लिक करना है, आ जाएगा ऊपर से, आप देख सकते हो ऐसे गोला सा बना हुआ है, और ओपन करना भी बहुत ही आसान है, आपको बस स्वाइप 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 करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नहीं आ रहा है, पे करने का ही ऑप्शन आ रहा है, ट्रायल स्टार्ट नहीं करना है आपको, अगर आप ट्रायल स्टार्ट कर देंगे तो आपको पे करना है, बस आपको स्किप करना है और नॉर्मल में
आ जाना है आपको। यहाँ पर आप देखते हो ऊपर, यहाँ पर आपको लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल US लगा हुआ है तो हम लोग US को ही लगा रहने देते हैं, और US लगा होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर अपना VPN को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ अलाउ मांगेगा कि आपको VPN अलाउ करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो सारी सब में था, मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया था टाइम वेस्ट होने के लिए। तो आपको नॉर्मली ये चीज़ कर लेना है। फिर इसके बाद आपको अपना गेम को ओपन करना है, और यहाँ पर भी आप देखते हो मैंने अभी गेम के अंदर मैं आने वाला हूँ डायरेक्टली, मैंने बाकी सारी चीज़ें स्किप कर दी। इसमें भी आप रिसोर्स पैक डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसकी मुझे स्पीड काफ़ी कम लगी पहले और दूसरे से, मतलब काफ़ी धीमे धीमे गेम चल रहा है, डाउनलोडिंग भी स्पीड बहुत कम थी, KB में आ रही थी 400-500 KBPS, तो वो सारी चीज़ थी। बाकी अभी आप देखते हो यहाँ पर हम लोगों का जो पिंग है वो अभी तो ठीक आ रही है, लेकिन अभी आप देखते हो पिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। पिंग इसकी 400 के आसपास आ गई, 450 पहुंच गई है, 450 से 500 के बीच में आ रही है, तो इतनी पिंग तो बहुत ज़्यादा हाई है, और ये सही नहीं है गेम खेलने के लिए, मतलब बिल्कुल भी नहीं सही है, बहुत गेम लैग करता है इतनी पिंग में। और ओवरऑल पूरे गेम में मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ मैं, आप भी जो पिंग है वो 400 के ऊपर ही रही, और जबकि मेरा नेट कनेक्शन काफ़ी तेज़ है। और अगर आपका वाईफाई इवन लगा हुआ है तब तो आपका जो भी मैं दिखा रहा हूँ सारे वीडियोस, मतलब सारे अलग अलग VPNs, उसमें अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है तो वो पिंग और ज़्यादा बेटर आएगी एज़ कम्पेयर टू मोबाइल डेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो पिंग बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस वाले VPN को। नेक्स्ट यहाँ पर एक VPN है Speedify करके, मैंने उसको डाउनलोड किया है, और अभी यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसेस किया है, और यहाँ पर भी आपको स्वाइप करना है बार बार सारा, और फिर इसका स्किप कर देना है सारी चीज़ें, स्वाइप 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 करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है लिमिटेड फ्री वर्ज़न, क्योंकि यहाँ पर आप पे नहीं करेंगे, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग फ्री VPN की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको अपनी जो लोकेशन है कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर दीजिए इंडिया को छोड़कर, तो मैंने यहाँ पर US सेलेक्ट कर दिए, और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर भी हम लोगों ने गेम को अभी ओपन कर लिया है, और ये भी लोडिंग होने में काफ़ी टाइम ले रहा था, मुझे नहीं पता है क्यों। और यहाँ पर हम लोग रिसोर्स पैक को भी डाउनलोड करके देखते हैं, या फिर कोई मैप डाउनलोड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक आ रही है, 2 से 3 MBPS के बीच में आ रही है, 1 से 3 के MBPS के बीच में, तो स्पीड तो मुझे ठीक ठाक लगी, और आराम से आपका रिसोर्स पैक भी डाउनलोड हो जाएगा, या मैप अगर आपका नहीं डाउनलोडेड है तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा। पिंग अभी तो फ़िलहाल सही आ रही है, अभी आप देख सकते हो पिंग हम लोगों की एकदम से बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा पिंग हो गई है, 200 के ऊपर चल रही है पिंग हम लोगों की। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरा मैच का, मैं आपको दिखाता हूँ आगे फास्ट फॉरवर्ड करके, पिंग कभी 300 कभी 350, मतलब 300 से 400 के बीच में रही पिंग, तो इतनी पिंग ठीक नहीं है, लेकिन मतलब खेलने लायक तो नहीं कह सकते, लेकिन ओके है, हम लोग इसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये वाला VPN फ़िलहाल 300 के ऊपर पिंग दे रहा है हम लोगों का, Speedify वाला VPN, तो वो चीज़ यहाँ पर आपने देखी। और बाकी जो पहले के दो VPN थे वो दोनों बेस्ट थे, सबसे बेस्ट मुझे सेकेंड वाला लगा था, लेकिन फर्स्ट वाला भी बिल्कुल ख़राब नहीं, फर्स्ट वाला बहुत ही लाइट वेट VPN है, मतलब बहुत छोटा है, तो ये चीज़ अच्छी है, आपका ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेगा, और स्पीड भी अच्छी खासी, और दोनों ही VPN अनलिमिटेड वाले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें हमें। तो बाकी आप मुझे बताइए आपको VPN कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी बहुत हेल्पफुल लगा हो, आपको हेल्प करे आपके गेम खेलने में, या फिर आपको कुछ और चलाने में, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, नमस्कार, धन्यवाद।